तो अब हम आ चुके हैं कनखलिया। इसके बाद हमें जाना है मग्गुचट्टी में, और कनखलिया की हाइट है 3200 मीटर की ऊंचाई पे, क्योंकि हम डाउन आ चुके हैं अब। और ये रहा बोल्ड जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर, मग्गुचट्टी यहाँ से 3 किलोमीटर है। और ये जो प्लेस जहाँ पे अब ये लोग बैठे हुए हैं, ये है कनखलिया। पीछे एक पहाड़ दिख रहा होगा आपको, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। बड़ा इंपॉर्टेंस है मुझे पता नहीं है, भाई लोग कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंस है, किसी को पता नहीं है खास कुछ। ये है जहाँ से हम आए हैं, पवाली कांटा से 16 किलोमीटर। ये लिखा हुआ 16 किलोमीटर है, पर जिस घुमाव से हम आए हैं, जिस रूट से हम आए हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मोबाइल में दिखा रहा है, जो मैंने स्टेप काउंटर ट्रैकर लगा रखा था उसमें दिखा रहा है हम 21 किलोमीटर आ चुके हैं अभी तक टोटल मॉर्निंग से। पर हम पवाली कांटा के पीछे से आए थे, 4 किलोमीटर पीछे से। तो हाँ हाँ, तो फिर से ये देखो यहीं पे करेक्ट भी हो गया। तो दोस्तों, जंगल बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कैसे, ये देख लो, ये किसी घोड़े को जो है बाघ ने मार के, मतलब बाघ ने इसका शिकार कर दिया, बेचारा यहीं पे लेटा हुआ है। हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 7-8 किलोमीटर बाकी हैं अब जाने के लिए। और रास्ते ऐसे हैं, मतलब रास्ता है ही नहीं, सीधे बर्फ ही बर्फ है, मतलब पूरा रिस्की होके जाना पड़ेगा यहाँ। देखिए, हाँ संजू भाई सही कह रहा है, ग्रिप नहीं बनी तो सीधे नीचे मिलेंगे भाई। और अब मैं भी चलता हूँ, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं कैसे चलता हूँ, बस गिरूँ ना मैं। भाई लोगों, तो मान ली इतना रिस्क ले रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। हाँ भाई साहब, छह भी खतरनाक छे भाई, हम सीधे एक गलती और बंदा सीधे नीचे है। इसकी आँख अभी भी, तब से हम जो हैं लगातार चल रहे हैं, 2 घंटे हो गए हमको। हम पहुंच चुके हैं चौंडी खाल में, और यहाँ से हमें 3 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि 3 किलोमीटर है तुरजुगी नारायण। हमें आइडिया नहीं था भाई साहब कितना लंबा होने वाला है ये सफ़र, बट चलो कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हम लोग जो हैं पवाली कांटा से निकले थे आगे, आगे पता नहीं कौन कौन सी जगह आई। एक जगह पर हल्का सा मौसम भी ख़राब हुआ, मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक जगह पर हमें हिमालय दिखा था। उसके बाद हम डाउन के लिए चले, और जैसा हमें बताया गया था रास्ता कि केवल 9 किलोमीटर नीचे जाना है और तिरजुगी नारायण मिल जाएगा। उसके बाद भी मतलब एक जगह पे ऐसा पॉइंट था जहाँ से हमें लग रहा था कि 3 किलोमीटर तिरजुगी नारायण होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया कि अब 3 किलोमीटर बाकी है। बट भाई साहब, हुआ ऐसा कि हम लोग जो है रास्ता भूले। अब पता नहीं हम 3 किलोमीटर पहले ही भूले या हम पहले भूल चुके थे रास्ता, मतलब भूले, कोई गया नहीं था ना कभी उस रास्ते पे। बट सीन ये है कि हम कुल मिला के रास्ता भटक गए। अभी टाइम बज रहे हैं रात के 11:44, मतलब समझ लो आप 5 घंटा हम जो है भटके हैं, और लिटरली हमें एक भी लाइट नहीं दिख रही थी। 6 बजे के बाद हमें केवल घना जंगल दिखा, कोई ना ही कोई रास्ता था। हम पता नहीं कौन से गधेरे से छलांगे मारते हुए आए हैं, कहीं पेड़ टूटे हुए हैं, कहीं पत्थर गिरे हुए हैं, कहीं बर्फ है, रास्ता ही नहीं है भाई साहब। बट ऐसा है कि एट द एंड भाई साहब पहुंच गए तिरजुगी नारायण में। अभी की जो फीलिंग है वो मैं बता नहीं सकता, बस बाकी मैं थक गया हूँ भाई, अब मैं सो रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी है हमारा पवाली कांटा ट्रैक का 30वां दिन, और अभी हम जा रहे हैं तिरजुगी नारायण मंदिर में। कल रात हम यहीं पर रुके थे, और अभी आपको हम मंदिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम तिरजुगी नारायण मंदिर में। ये पीछे पूरा मंदिर है, दर्शन करवाते हैं आप लोगों को भी, और हम भी दर्शन करते हैं अभी। ये देख लो मंदिर। दोस्तों, ये है कुंड, यहाँ पे पहले हम थोड़ा स्वच्छ होंगे, हाथ मुंह धुलते हैं यहाँ पे लोग, थोड़ा सा पानी पैर में भी डालते हैं, थोड़ा सा सर पे शुद्ध होंगे, और फिर करेंगे दर्शन आगे। तो अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए, और ये है मंदिर का फ्रंट व्यू यहाँ से।
तो दोस्तों त्रिजुग नारायण से हम पूजा पाठ करने के बाद निकल चुके हैं अब, और इसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों त्रिजुग नारायण से निकल चुके हैं हम घर के लिए। ये है हमारी ट्रिप का एक मतलब अंतिम पल, अभी हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये इस ब्लॉक के भी कुछ बस अंतिम पल हैं, और बस ये कहना चाहूँगा मैं, अब हम घर पहुँचने वाले हैं। एक नया भाई, और जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, फॉलो और लाइक होना चाहिए दबा के, और बस धन्यवाद, ब्लॉग खत्म।